आदि शांतामणि से बाप दादा ने बोला, गैलप अच्छा किया है, जो लक्ष्य रखा है वो प्रैक्टिकल में आ रहा है, इसकी मुबारक। फिर मनोहर दादी से बोला, जिनके लिए कहा कि ये यज्ञ की हिस्ट्री सच्ची सुनाती है, माने और दादियां उसे छुपाई लेती हैं और मनोहर दादी यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाने वाले, यज्ञ की आदि की सहयोगी आत्मा हो, सहयोगी हूँ, सहयोगी रहूंगी, इस बात पर अंडरलाइन, क्योंकि दादियां तो श्रृंगार हैं, तो आप एक दादी भी मिस नहीं होना चाहिए। मिस नहीं होना चाहिए, जो शरीर छोड़ती जा रही है वो मिस हो रही है या नहीं हो रही है? मिस तो हो रही है। श्री ऐसे क्यों कहा, एक दादी भी मिस नहीं होना चाहिए। आप तो श्रृंगार हैं ब्राह्मण परिवार के, क्या बाप दादा झूठी बात बोल रहे हैं? ये दादियां मिस हो रही है। हाँ जी करो कि मिस नहीं होंगे। मनोहर दादी से खास बोला ना, सहयोगी हूँ, सहयोगी रहूंगी, इस बात पर अंडरलाइन करो, किसकी सहयोगी हूँ? बाप दादा की सहयोगी हूँ और भविष्य में भी सहयोगी रहूंगी। लेकिन शरीर छूट गया, बाप दादा ने बच्चों से वादा किया है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, साथ 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 निभाएंगे अंत तक, और साथ लेकर के जावेंगे। तो दादियां तो ये समझती हैं कि बाप दादा साकार वतन से चले गए, लेकिन बाप दादा का अंजाम क्या था? इसी शक्ति पर साकार में पार्ट बजाएंगे, साकार में रहेंगे। और दादी से ये बात कही, सहयोगी हूँ और सहयोगी रहूंगी, इसका मतलब ये हुआ जिसको उन्होंने जिस रूप में साकार में समझा दादियों ने, उसकी सहयोगी हूँ और भले शरीर छूट जाए तो भी बाप दादा की सहयोगी रहूंगी। कैसे? इन स्पिरिटिंग पार्टी में जो आत्माएं जा रही हैं, वो शरीर छोड़ करके एडवांस पार्टी के प्लानिंग ग्रुप में प्रवेश करती है और बाप दादा की सहयोगी बनती है। एडवांस ग्रुप में बाप दादा साकार में पार्ट बजाते हैं। ये एडवांस ज्ञान और दीदी राजियों को अभी वर्तमान में पक्का नहीं है, इसलिए बोला हाँ जी करो कि दादियां कभी भी ब्राह्मण परिवार से मिस नहीं होंगी। हाँ जी करेंगी तो ताकत आ जाएगी, इसका मतलब अंदर से अभी दादियों की ताकत निकल रही है। हाँ जी करेंगी तो ताकत आ जाएगी, हाँ जी करके देखना, करना ही है, कोई कितना भी रोके परंतु मुझे करना ही है। क्या बाप दादा को मिस नहीं करना है, बाप दादा की सहयोगी रही हूँ और भविष्य में भी बाप दादा की सहयोगी रहूंगी।
ये दादी की सखी है ना, कौन? मनोहर दादी। तो दादी ने ना कभी नहीं किया, हर एक कार्य में हाँ जी हाँ जी हाँ जी किया। तो ऐसे ही करना रतन मोहिनी दादी से। आप तो ऑलराउंडर हैं, अभी दादियों को सभी को अपना पार्ट विशेष संगठन के आगे दिखाना है। दिखाना है, दिखाया नहीं है। किसके आगे? अपना पार्ट विशेष संगठन के आगे दिखाना है। अभी जो सामान्य संगठन है डिस्ट्रिक्ट पार्टी में, उसके सामने अपना पार्ट दिखाया है, लेकिन अभी क्या करना है? विशेष संगठन कौन सा? जो ब्राह्मणों की एडवांस पार्टी है, उसके आगे अपना विशेष संगठन। हाँ, उस विशेष संगठन के आगे अपना पार्ट दिखाना है। सब की नजर पांडव और दादियों की तरफ नेचुरल जाती है, कर रही है, करती रहेंगी। अच्छा, पांडव क्या करेंगे? दादी ने शरीर छोड़ा उससे पहले, दादी तो मुखिया थी वर्तमान ब्राह्मण परिवार की, उससे पहले पांडव में मुखिया कौन थे? अभी अभी वर्तमान की बात, थोड़े समय पहले की बात। जगदीश भाई तो बोला पांडव क्या करेंगे? जगदीश भाई तो मुख्य भाइयों में थे ना, वो तो चले गए। तो तीनों पांडव आओ, अब कोई तीन और मुखिया हैं। जगदीश भाई नहीं है भले, लेकिन इस ग्रुप के पुराने ग्रुप के रमेश भाई तो है ही। तो बोला बम्बई से रमेश भाई और दिल्ली से ब्रजमोहन भाई। तो निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई तीनों ही आओ। आप तीनों को अभी क्या करना है? तीन शब्द विशेष दादी की विशेषता रही। एक तो छोटा बड़ा अपना मानता था, अपनेपन की भाषणा सबसे ज्यादा दादी ने दी है। ये दादियां हैं, लेकिन दादी में ये विशेषता ज्यादा रही। तो आप लोगों का भी ऐसा कर्तव्य हो, ऐसा मिलन हो जो हरेक अनुभव करे ये हमारे अपने हैं, अपनापन महसूस करें। ये ड्यूटी वाले पांडव नहीं हैं, अपनापन जितना लाते हैं उतना दादी को इतना प्यार का रिस्पॉन्ड क्यों मिला? चाहे VIP हो चाहे कोई भी हो, लेकिन अपना पेन महसूस करता था। हमारी दादी है, अभी भी देखो दादी माँ दादी माँ। कोई कहता नहीं है लेकिन जिगर से कहते हैं। तो ये है अपनेपन की अनुभूति कराने की रिजल्ट। तो जैसे दादियों की तरफ सबकी नजर है, ऐसे विशेष निमित्त पांडवों की तरफ भी है। तो ये करना पड़ेगा, पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना, करना ही है। अभी हरेक की अपनी, चाहे मीडिया वाले हो चाहे VIP हो चाहे साधारण जनता हो, सबने श्रद्धांजलि घर बैठे भी दी है। चाहे आए नहीं है,
लेकिन टीवी द्वारा सबने मेजॉरिटी में देखा है और सहयोगी भी बने हैं श्रद्धांजलि देने में, किसको? दादी को। तो अब यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। पीछे इसका नाम आध्यात्मिक विद्यालय भी बोल दिया। क्या अभी तक नाम क्या था? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब आप व्यक्त बाप दादा को क्या याद दिला रहे हैं? दिला रहे हैं, याद आ रहा है आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो अब यह ईश्वरी विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। कब? जब पांडवों में भी अपनापन महसूस हो। कौन कौन से पांडव बताए? रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई और निर्भय भाई। रमेश भाई बेहद में कौन है? बाबा रमाईश। रमा माना पार्वती और ईश माना स्वामी रमेश। वो बम्बई की मुखिया है ना। बम्बई नाम क्यों पड़ा है? हर हर बम बम की नगरी है। मायावी नगरी है ना। तो उनको काम क्या मिला हुआ है? मायावी दुनिया का विनाश करना। और दूसरे भाई हैं ब्रजमोहन भाई। किसको मोह लिया? सारे ब्रज को मोह लिया। वो कौन हुए? ब्रज को मोहने वाली आत्मा शास्त्रों में कौन सी गाई हुई? कृष्ण। तो वो कौन हुआ? दादा जी भाई। और तीसरे हैं निर्वैर भाई, जिनका कोई से कोई वैर वैर नहीं है। तो बोला अगर ये तीनों में ये दादी की शिष्य आ गई क्या, सब अपनापन महसूस करें। ये हमारे अपने हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब के अंदर ये महसूस था अभी। तो अब ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय छिपा हुआ नहीं रहेगा। एक एक एक्टिविटी तरफ खुली नजर हो गई है। उल्टे वाले उल्टा देखेंगे। क्या इनकी बुद्धि उल्टी हुई पड़ी है? वो इन तीनों को क्या देखेंगे? उल्टा देखेंगे। और सुलटे वाले सुलटा देखेंगे। क्या व्यक्तित्व वही रहेंगे लेकिन कुछ आत्माएं अपने ही स्वभाव संस्कार के कारण उनको उल्टा देखेंगे और कुछ आत्माएं सुलटा देखेंगे। लेकिन विशेष नजर पड़ गई है तो उसी अनुसार आप सबको मिलकर सभी स्थानों के वायुमंडल को पावरफुल बनाना होगा। क्योंकि दादी ने विश्व को नजर में लाया है। क्या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है? अब दादी विश्व को नजर में लाने वाली बन गई। एक पहले जो प्रेसिडेंट बननी थी उसके कारण सबकी नजर में आया। प्रेसिडेंट नहीं बनी ना, और फिर दादी के कारण ज्यादा नजर में आया। तो सबकी नजर अभी विशेष इस विद्यालय की तरफ है, इसलिए अंडरलाइन। मुन्नी बहन मुन्नी
मेरी बहन दादी के कमरे में ज्यादा सेवा करती थी। तो बोला मुन्नी बहन ने, बाबा दादी का क्वार्टी सूना सूना लगता है। बोला अभी भी वहाँ सेवा का साधन बना करके रखना। मुन्नी बहन ने बोला हम किस बात का ध्यान रखें, जैसे दादी करती थी वैसे मुस्कुराती शक्तिशाली नजर, रहम दिल भावना, संतुष्टता की भावना, संतुष्टता का तेल खिलाती रहना। कोई को खाली हाथ नहीं भेजना। मुन्नी बहन बोली दादी की बहुत याद आती है, वो तो आएगी ना, क्यों उनकी ज्यादा सेवा करते हैं। अगर ब्राह्मण जन्म लेकर के ईश्वर को पहचाना नहीं, ईश्वर से कनेक्शन रख नहीं पाया साकार में, तो जितने साकार में ज्यादा कनेक्शन रखेंगे उसी की याद आएगी ना। बोला दादी की बहुत याद आती है, वो तो आएगी ना, ऐसे कैसे होगा कि भूल जाए। कुछ दिन तो जरूर याद आएगी जब तक साकार की प्रत्यक्षता न हो। कुछ दिन क्यों याद, कुछ दिन याद आएगी, उसके बाद क्यों नहीं याद आएगी। कुछ दिन तो जरूर याद आएगी साकार को। क्या क्यों याद आएगी कि साकार जब प्रत्यक्ष हो जाएगा पर, तो दादी की याद आना बंद हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटा साथ रही हो। दिल से, दिमाग से, तन से, मन से, संपर्क संबंध से सबसे जाती साथ मुन्नी बहन रही, तो याद तो जरूर आएगी, दादी मिलने आएगी। लेकिन तारीख नहीं फिक्स की है, आएगी जरूर। जानकी दादी, उन्होंने कहा कल विदेश जा रही है, छुट्टी दी है विदेश जाने की। अभी तक विदेश की इंचार्ज थी, अभी भारत में काम करना है, इसकी जगह है प्रकाशमणि दादी की जगह। तो छुट्टी दी है लेकिन शॉर्टकट मतलब थोड़े समय में जो काम है उधर समेटने का वो काम करके आना, जो कुछ हैंड ओवर करना है तो समझा के आना। तो छुट्टी दी है लेकिन शॉर्टकट बना हुआ है ना। मोहिनी बहन ने बोला जो दादी की उस समय असिस्टेंट होके रहती थी, अभी हमें क्या करना है। क्या तो आंख लगाए बैठी थी कि दादी के बाद नंबर किसका लगेगा, हमारा नंबर लगेगा। तो वो बोल पड़ी अभी हमें क्या करना है। दादी की भाषणा देना है। क्या जो भी आए आपसे क्या मिले उसको, मोहिनी से दादी की अनुपस्थिति में दादी की भाषण मिले। दादी का ऐसा ही पाठ है, जब चाहेगी आ जाएगी। आपको भाषण आएगी, आप भी तो वतन की अनुभवी हो ना, संदेश लेके बोली तो जाती है संदेश के रूप में। कौन वही तो भाषण आएगी आपको,
बाप दादा अच्छी से अच्छा पार्ट बजवाएगा इससे दादी से। सिर्फ ये तीन शब्द हर कर्म के पहले याद रखना, सेवा करो, ऑलराउंड और सेवा में बिजी रहो, यहाँ भी बिजी रहो, चारों ओर की सेवा में टाइम नहीं मिलता था, अभी टाइम दो, अच्छी सेवा होगी, फिक्र नहीं करो, बाप साथ में। कोई ने कहा जिन्होंने दादी जी की सेवा की है वो सारा ग्रुप बाप दादा के सामने बैठा है, बहुत अच्छा, कितना अच्छा ग्रुप है। देखो सभी ने रामानुसार हरेक ने अपना अपना पार्ट बजाया, जिसको दादी की साकार सेवा का पार्ट बजाना था नजदीक रहकर उनका अपना पार्ट है उन्होंने बजाया और सबने अच्छा पार्ट बजाया। लेकिन अभी स्वपरिवर्तन से वायुमंडल परिवर्तन करना, आपने बाप के लक्षण दिखाई दे, जैसे लौकिक में भी कई बच्चों में बाप के लक्षण, बाप जैसी शक्ल दिखाई देती है, तो आप हर एक में बाप के लक्षण दिखाई दे। लक्षण आने से क्या होगा, लक्ष्य स्पष्ट हो जाएगा। ये 9/2007 की अभिकवाणी का चौथा पेज। आजकल लक्ष्य ऊंचा रखते हैं, लक्ष्य तो ऊंचा रखते हैं लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। आप लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो। लक्ष्य क्या है ब्राह्मण जीवन का, नर से नारायण बनना और नारी से लक्ष्मी बनना। मर जाने के बाद कि इसी जन्म में लक्ष्य है, हाँ इसी जन्म में बनना चाहिए। तो लक्ष्य कहेंगे कि लक्ष्य सच्चा है, मरने के बाद डॉक्टर बनने का लक्ष्य पूरा हुआ, पढ़ाई पूरी होने के बाद डॉक्टर बने नहीं, अगले जन्म में बन जाएंगे, तो लक्ष्य पूरा कहेंगे नहीं कहेंगे। तो आप अपने लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो। क्या इशारा दे दिया, आप जो लक्षण दिखाते हो उससे तो ये साबित होता है कि इस जन्म में तो नर से नारायण बनने का लक्ष्य खत्म हो गया। लक्ष्य क्या है, जैसे बाप दादा ने शरीर छोड़ दिया, हम भी शरीर छोड़ करके अव्यक्त वतनवासी बन जाए, तो लक्ष्य अगले जन्म में मिलेगा या इस जन्म में मिलेगा। शरीर छोड़ देंगे तो अगले जन्म में मिलेगा, और अगले जन्म में जो लक्ष्य मिलेगा वो नर से नारायण बनने का तो नहीं मिलेगा। नर से प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे लेकिन नर से डायरेक्ट नारायण नहीं बनेंगे, जिनकी नर नारायण की कथा है, जिनके लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं वो नहीं बन सकेंगे। तो अपने लक्षण द्वारा लक्ष्य को स्पष्ट करो, क्योंकि सबकी नजर लक्षण पर पड़ती है, बातों से भी लक्षण जाहिर होते हैं, दृष्टि से भी लक्षण जाहिर होते हैं, वाइब्रेशन से भी लक्षण जाहिर होते हैं, चलन से भी लक्षण जाहिर होते हैं। तो जितना लक्षणधारी चलन होगी तो लक्ष्य ऑटोमेटिकली सिद्ध होगा। ये कौन है, ये क्या करना चाहते हैं, चलो कोई की भी बात हो जाए, बातें तो होंगी, ढेर सारी बातें सामने आवेंगी। माला है ना, उसमें एक प्रकार के तो मणके नहीं है, कितने प्रकार के ग्रुप है माला में, अरे 108 मणके हैं तो कितने ग्रुप हैं, 12 ग्रुप है, 9 ग्रुप हैं, 12 है, 12 के
तो बोला माला है ना, तो जो ग्रुप जिस धर्म से कनेक्टेड होगा उसी तरह की बातें करेगा, बातें तो होगी, माला है ना, नंबरवार है ना, तो ये नहीं बोलो कि ये क्या करते हैं। क्या बोलो, ये क्या करते हैं ये नहीं बोलो, ये क्यों होता है, नहीं वो बल कुछ भी करें लेकिन मुझे क्या करना है। इस्लाम धर्म का ग्रुप होगा तो वैसा पार्ट बजाएगा, क्रिश्चियन धर्म का ग्रुप होगा तो वैसा पार्ट बजाएगा, तो ये ना देखो कि ये ग्रुप क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, मैं क्या मदद ऐसी हालत में कर सकता हूँ। नहीं कर सकते हो तो किनारा करो, लेकिन उन बातों के ग्रुप में बह नहीं जाओ। ढेर सारी बातें बनाने वाले होते हैं ना, झूठी झूठी बातें फैलाते हैं, लेकिन उसमें बह नहीं जाओ। वायुमंडल में आप निमित्तात्मय ऐसी स्थिति में रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वायुमंडल बन जाएगा, मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ अपने को करना, बस पक्का करना, ठीक है ना। शक्ति सेना कम थोड़ी है, शक्तियां भी कम नहीं है, उसी से ना है शक्ति से, किसकी शक्ति से ना, शिव की शक्ति से ना, शिव जिंदा है कि मर गया, शक्ति से ना विधवा तो नहीं है, विधवाओं की तो भारत में मान्यता नहीं है, उनकी तो जैसे शक्ति खींच जाती है, कोई कुछ भी महत्व देता नहीं है। लेकिन यहाँ बोला है शक्ति सेना कम थोड़ी है, इसका मतलब कोई शक्तियाँ हैं जिनके दिल में ये पक्का बैठा हुआ है कि गीता का भगवान, गीता पति भगवान शिव प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहा है। हम शक्तियाँ सदवा हैं, विधवा नहीं, विधवा नहीं है, तो शक्तियाँ भी कम नहीं है, जिनके लिए पहली अज्ञातवाणी में बोला है, जो पहली पहली अज्ञातवाणी चली थी गुलजार दादी की मुख से, उसमें बोला था भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, तो वो शक्तियाँ भी कम नहीं है, उन शक्तियों को अंदर में ये पक्का करना है कि माला का कोई ग्रुप वायुमंडल बना दे या ना बना दे, लेकिन मुझे वायुमंडल बनाना है। क्या दूसरे तो बातें बनाएंगे, बातें बना बना करके क्या करेंगे, जैसे आजकल होता है गवर्नमेंट कहती है हवाएं नहीं फैलाओ, लेकिन फैलाने वाले फैलाते हैं, तो अफवाहों के प्रभाव में आकर के वायुमंडल तुम नहीं बिगाड़ना, शक्तियां क्या करें, वायुमंडल मुझे बनाना है, कोई भी हल्की सी बात हो, जीवन है उनके बारे में कोई हल्की बात निकल पड़ती है चक 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 चारों तरफ कर देते हैं। तो बोला कोई भी हल्की सी बात हो उसको रिपीट मत करो, कचरा है ना तो कचरे को दबाना चाहिए या फैलाना चाहिए, दबाना चाहिए। एक को वर्णन करना माना अनेकों के कान में बात जाना, सबका वाइब्रेशन खराब होगा, अंतर्मुखी सदा सुखी, कोई भी बात आती है कोई की कमजोरी नजर में आ गई, बुद्धि में आ गई, उसको क्या करना है, समाना है,
अंतर्मुखी बन जाए, जैसे दादी ने रूहानी अपनापन दिया, शारीरिक नहीं दिया। अपनापन का ये रिजल्ट है एक तो प्राम और एक अपनापन। इशारा भी दिया लेकिन दिल में नहीं, जबान पर आया खत्म, दिल में नहीं रखो। ऐसे आप निमित्त हो तो निमित्त को दादी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। शक्ति तो सभी में नहीं है ना, इस बात की कि औरों की कमजोरियों को अपने अंदर समा के रखने। नंबर वार है ना, माला भी नंबर वार की बनी है ना, तो सहयोग दो, शक्ति दो और आत्माओं पर रहम दो। क्या उनकी छोटी सी गलती हो और वो गलती बाहर आ गई, नजर में आ गई, जीवन में कभी नहीं किया और एक बार ऐसा कर लिया, माया ने पसारा डाल दिया, तो उस गलती को चारों तरफ फैलाना वैश्या है, वैश्यावृत्ति है, तो उससे क्या होगा? उस आत्मा के प्रति हमने शुभ भावना रखी या दुर्भावना हो गई? दुर्भावना हो गई। चारों तरफ वो बात फैलेगी और जिसके भाव स्वभाव संस्कार में भी नहीं था, एक बार गलती हो गई, अब वो पक्की वैसी ही बन जाएगी, क्योंकि तो चारों तरफ आवाज फैल गई। सब उसको किस दृष्टि से देखेंगे? उसी दृष्टि से देखेंगे या उसी दृष्टि से नहीं, चलो बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, ऐसा वाइब्रेशन बन जाएगा। तो रहम करो, आत्मिक प्यार दो, क्योंकि सबकी नजर अभी देश विदेश की निमित्त आत्माओं पर है, क्योंकि ये मीडिया ने चारों ओर स्पष्ट कर लिया है। अभी सबकी नजर है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और ही ज्यादा सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। संसार में राजयोग सिखा रही है सफेद पोषधारी ब्रह्मा कुमारियां, विश्व में आवाज फैल रही है, लेकिन रिजल्ट ये आ रहा है सबकी अकाले मौत से शरीर छोड़ते जा रहे हैं। तो मीडिया इस बात को नोट तो करेगा ना कि ये जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनका अंतिम अंजाम क्या हो रहा है, अकाले मौत में क्यों जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है और ही ज्यादा सोचेंगे, ये क्या है कैसा है। इसलिए अपने किले को मजबूत करना, मनस किला ढसर हो रहा है, किले में कमजोरी आ रही है, किले किला मनस, हाँ अपने संगठन रूपी किले को मजबूत करना। आप निमित्त हो, कोई राजाई होती है ना तो राजाओं का किला होता है, किले के दो परकोटे होते हैं, एक अंदर का परकोटा होता है जिसमें सब पारिवारिक सदस्य भांति रहते हैं, और एक बाहर का परकोटा होता है ना, नहीं देखा हो तो देखा हो, दिल्ली के लाल किले में देख लेना, आगरा के किले में देख लेना। तो बाहर का परकोटा तो 76 से एडवांस पार्टी ने तोड़ दिया, अंदर वाले रह गए और बाहर वाले ले गए, ऐसा हुआ ना। जो सरेंडर्ड वर्ग थे, सरेंडर्ड ब्रह्मा कुमारियां थी, उन्होंने सच्चाई को जानते हुए भी नहीं लिया, ग्रहण कर नहीं कर सकी लोकलाज की डर से, अभी भी ग्रहण नहीं कर रही, अंदर से समझ रही कि सच्चाई है।
तो बाहर का परकोटा तो किसने तोड़ दिया? एडवांस पार्टी ने। बाहर का परकोटा तोड़ना माना जो घरगस्त के रहने वाले थे वो सब एडवांस पार्टी में आ गए। बाहर के थे या अंदर के? बाहर के थे। इसलिए अभी फिर इशारा दिया, किले को मजबूत करना, आप निमित्त हो इस बात के लिए, किले को मजबूत करने के लिए। चाहे थोड़ी आई हो लेकिन सुनेंगे तो सभी, फिर भी पहुंच गए हो, मुबारक है। रेवर रेडी तो हो गए ना? चाहे थोड़ी आई हो का मतलब क्या हुआ? कोई एक नई बात तो नहीं है? मुरली में तो बोला है, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। माने कोई मम्मा से बहुत प्यार करते थे, तो मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो दौड़े दौड़े मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए। फिर ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो मम्मा को प्यार करने वाले भले ना आए, लेकिन बाबा के साकार स्वरूप से जिनका विशेष प्यार था वो दौड़े दौड़े श्रद्धांजलि देने के लिए आगे। ऐसे ही जगदीश भाई से जिनका विशेष स्नेह था, जब उनका शरीर छूटा तो वो श्रद्धांजलि देने के लिए दौड़े दौड़े आ गए। तो बोला, आप निमित्त हो चाहे थोड़ी आई हो लेकिन सुनेंगे तो सभी कि दादी की श्रद्धांजलि देने के लिए ये आई। तो ठीक है, पहुंच गई, मुबारक है, एवरेडी तो हो गए। किस बात में? दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए एवरेडी तो हो गए। दादी के साथ आप लोगों ने भी एवरेडी का पाठ तो पढ़ लिया ना? तो ठीक है, सभी को समझना चाहिए मैं निमित्त हूँ वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए, मैं निमित्त हूँ, दूसरे नहीं। दूसरे तो नंबर वार हैं और आप तो खास निमित्त हो, बहुत अच्छा, ठीक है। दादी की सेवा करने वाली बहनों से बहुत अच्छी सेवा की। जब बाबा ने कहा बहुत अच्छी सेवा की, तो कोई ने बोला सेवा करने वालों में से, दादी की बहुत याद आती है। याद तो आई, संग का रंग तो लगता है। बाप दादा के वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी। क्या कहा? अभी दादी कहाँ है? 12-13 दिन तक बदन में रखने की बात बोली, फिर बाद में बोला कि दादी को रुखसत कर देंगे, माने बाप दादा अपने साथ नहीं रखेंगे, उनका जो सेवा का फील्ड है उस फील्ड में दादी जा देंगे। क्यों? बाप दादा के साथ क्यों नहीं रहेंगे? अरे बाप दादा का फील्ड है सूर्यवंश चंद्रवंश का, और उनका फील्ड है इस्लाम वंश का। तो जिस वंश की है वहाँ जाएंगे। बाप दादा के वतन से जाएगी तो बाप दादा को याद नहीं आएगी। क्यों? इसने ही तो याद आना चाहिए। मुरली में क्या कहते हैं? नहीं, मुरली में बोला है बाप के अंदर के प्यार की और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। मुरली में तो यही बोला ना? फिर बोला, इन सब सितारों में सबसे जाति खातिरी होती है कुमार कली। तो खातिरी बाहर की चीज है या अंदर की चीज है?
खातरी तो दिखाने की बाहर की चीज हो गई, अंदर की चीज तो नहीं है। फिर बोला जो बहुत बड़े बड़े हैं, जिनका दुनिया में नाम बहुत बाला है, वो बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्या मतलब हुआ? माने अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाबा की बहुत बड़ी युक्ति है। जिनसे अंदर का प्यार करता है उनको खातरी देने की जरूरत नहीं, और जिन्हें बाहर से प्यार करता है उनकी खातरी देता है कि अगर नहीं करेंगे तो ये मान मर्तबे चाहने वाले हैं, ये विरोधी भी हो सकते हैं। तो बोला बाप दादा के वतन से जाएगी कि तो बाप दादा को याद नहीं आएगी, तुम बच्चों को याद आती है लेकिन बाप दादा को याद नहीं आएगी। आएगी पूछा, बाप दादा को याद आएगी नहीं आएगी, लेकिन सेवा है ना, जग की दादी है ना, जग की दादी है ना, जग माना क्या है? दुनिया माने दुनिया वालों की दादी है ना, दुनिया अलग जग की दादी है ना, सिर्फ मधुबन की तो नहीं है ना, बाकी सभी ने सेवा प्यार से की और अभी भी समान बनने की सेवा करना, प्यार का रिटर्न तो यही होता है। अच्छा, पांडव भी सेवा में अच्छे रहे, पांडवों ने भी सेवा अच्छी की, प्यार का स्वरूप दिखाया इसके प्रति, नहीं शक्तियों ने दादी की सेवा अच्छी की है लेकिन पांडवों ने भी अच्छी की और प्यार का स्वरूप दिखाया, सभी ने अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया। अभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा में ऐसे ही साथी बने जैसे दादी की सेवा में साथी रहे। क्या कहा? नहीं समझा? फिर एक बार पढ़ देते। जो सेवा के साथी बनने की बात बताई वो किसके प्रति बताई? पांडवों ने सेवा अच्छी की, किसकी सेवा अच्छी की? दादी की सेवा अच्छी की। प्यार का स्वरूप दिखाया माने किसके प्रति प्यार है? दादी के प्रति प्यार। सभी ने अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया, किसको? दादी। कई बार हॉस्पिटल में गई, कामा में चली गई, तो सेवा तो करनी पड़ती है और कामा से वापस भी आ गई। इंटरनेशनल योग लगाया गया कि दादी बच जाए, एक बार बच गई, दो बार बच गई, आखिर कितनी बार बचेंगी? इससे पहले अज्ञातवाणी में बोल दिया कि माया अब थक चुकी है। तो अंदर से आदमी जब थक जाता है तो दिल टूट जाता है, फिर कोई कितना ही संभालने की कोशिश करे संभालता नहीं है। तो अपने अपने सेवा अनुसार अच्छा सहयोग दिया, अभी वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा में ऐसे साथी बनना जैसे दादी की सेवा में साथी रहे, ऐसे अब क्या करना? वायुमंडल को पावरफुल बनाना माने वायुमंडल बिगड़ने वाला है। किसका वायुमंडल बिगड़ने वाला है? एक मुरली में बोला है तुम अपनी संस्था का नाम वो शब्द हटाकर माने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द हटाकर आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय रख देना। तो दूसरी मुरली में बोला उधर दिन प्रतिदिन गिरता जाएगा और इधर दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा में ऐसे ही साथी बनना जैसे दादी की सेवा में साथी बने हो।
क्योंकि सबकी नजर तो है ना। ये क्या करेंगे अब, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो लोगों को प्रश्न हुआ कि अब इनका मुखिया तो गया, अब क्या करेंगे। ऐसे ही दादी ने शरीर छोड़ा तो दुनिया वाले तो यही सोचते हैं अब ये क्या करेंगे, अभी देखेंगे क्या करते हैं। सबकी नजर तो है ना, तो आप ऐसा करके दिखाना जो वाह वाह के गीत बजने लगे। दादी का प्रत्यक्ष इसने आपकी चलन से दिखाई देगा क्या, कितना स्नेह है वो आपकी चलन से दिखाई देगा, देगा क्योंकि प्यार था ना। प्यार में तो सभी पास हो गए, प्यार का सर्टिफिकेट तो बहुत अच्छा है। अच्छा, बाप दादा सभी विदाई लेकर के, सभी से विदाई लेकर के वतन में गए और दादी गुलजार वतन से जब वापस आई तो वतन का संदेश सुनाया। वैसे दादी की विदाई शाम को होनी है बाप दादा के यहाँ वतन से, शाम को दादी की विदाई होनी है माने 6 सितंबर, अभी से 1 सप्ताह पहले की बात है। माने वतन से विदा हुआ, साकार वतन से तो पहले ही चली गई। इसलिए बाबा ने कहा मैं मिलकर आया हूँ, मैं भी दादी से मिली। कौन? गुलजार। बाबा ने भी कहा मैं भी मिलकर आया हूँ और गुलजार दादी ने कहा मैं भी दादी से मिली। दादी ने कहा मुझे बाबा भेज रहा है। कहाँ भेज रहा है? वापस भेज रहा, साकार वतन में। साकार सजी से जन्म लेंगी, वापस भेज रहा है। कहाँ वापस भेज रहा है? मना कोई ग्रुप है जिस ग्रुप विशेष में प्रवेश करके उन्हों विशेष पार्ट बजाना है, लेकिन मैंने जो 12 दिन में अनुभव किया वो बहुत बहुत बढ़िया किया। किसने अनुभव किया है और बहुत बातें जो वैसे न देखने वाली, जो नहीं देख सकती थी वो देखी। ऐसी कौन सी बात है जो वैसे साकार में देखने वाली नहीं थी लेकिन वतन से, हाँ साकार में नहीं देख सकती थी वो वतन में देखी। ये सुनाया और कहा बाबा अभी भेज रहा है और मुझे यही है, मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूं, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया। इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। मेरा विचार नहीं था कि मैं अब साकार दुनिया में आऊं, लेकिन साकार दुनिया से नफरत हो गई थी क्या? है? दादी को साकार दुनिया से नफरत हो गई थी क्या? हो गई थी। अब एक बाप दादा ने बोला था, मुरली में भी बोला है, पांडवों को गार्ड बन करके रहना है, शक्तियों का गाइड नहीं बनना है। अगर पांडव शक्तियों के गाइड बनेंगे, उनको अपने डायरेक्शन तक चलाएंगे तो यज्ञ में गड़बड़ पड़ेगी। क्या गड़बड़ पड़ी? उसका एक नमूना ये है कि कलकत्ते के रविंद्र भाई है, मुख्य भाई, वो कंपिल में भर्ती करने आए और भर्ती करने के बाद अपनी सच्चाई से जाकर के दादी के सामने पहुंच गए, भर्ती करने के तुरंत बाद, और दादी से कहा दादी बहुत गजब हो गया, अगर आप ध्यान नहीं देंगी
तो ये सारा ब्राह्मण परिवार सब टूट करके वहीं पहुंच जाएगा कंप्लीट। बात उधर सच्ची है, बात को स्वीकार करना चाहिए। तो दादी बोलती है जगदीश भाई से पूछो, जगदीश भाई के संबंध में बात करो। इसका मतलब दादी को कौन कंट्रोल कर रहा था? जगदीश भाई कंट्रोल कर रहे थे। जगदीश भाई ने शरीर छोड़ दिया तो जरूर कोई है और जो कंट्रोल करने लगे। तो बोला मेरा संकल्प था कि मैं जन्म नहीं लूं इस साकार सृष्टि पर, लेकिन बाबा ने मुझे रहस्य समझाया। क्या? साकार सृष्टि पर रहस्य समझाए दिया कि तुम्हारा ये पार्ट है, तुम्हें जाना ही चाहिए, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। हम लोगों को भी था कि दादी को बाबा ऐसे कैसे भेजा है। तो दादी ने कहा ऐसे कैसे भेज रहा है, का मतलब दादी की तो यही आस थी कि बाबा हमें अपने साथ रखेगा वतन में, लेकिन बाबा ने अपने साथ तो रखा नहीं। तो दादी ने कहा बाबा के राज को मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं खुशी से जा रही हूँ। दूसरी बात दादी ने कहा फिर शाम को विदाई होगी, वो देख करके फिर सबको सुनाना। बाकी मेरे तरफ से सभी को एक एक को कहना आपको नाम सहित दादी ने याद किया है, याद के साथ प्यार तो होता ही है, और विदाई का संदेश फिर सुनाएंगे, क्योंकि विदाई तो शाम को होनी थी और संदेश ही तो सुबह की बात है। बाबा रात में आए थे और सुबह तक रहे, तो गुड़िया दादी ने बाबा के पधरामनी होने के बाद, पधरामनी होती है किसकी? ब्रह्मा बाबा की। तो गुड़िया दादी तो वतन में चली जाती है, तो पधरामनी पूरी हुई और वतन से आकर के ये चार शब्दों का संदेश सुनाया।
देवी का क्या संकल्प चलता है संगम युग में? प्रैक्टिकल साकार जीवन में इंद्रियों का सुख लेना मनन मिलन मेला मनाने का पार्ट मेरा नहीं है, प्रैक्टिकल में तो तेरा पति है। असली बात है वो बताना, ये क्या होती है? है ये असली बात बताना, ये क्या होती है? तो सही बात कही, समझ की बात कही। वो कहती नहीं, अरे देह से मेरा पति है तो क्या हुआ, मन से तो तेरा पति है, मन तो तेरे पास डरा रहता है। नहीं बिल्कुल गलत बात, वो एकलव्य है या दो लव्य है? अगर दो लव्य है तो नारायण पद पा नहीं सकता है। वही जगदम्बा की वकालत करने वाले, अब कोई श्रीदेवी की वकालत करने वाले, तिरुमला में तिरुपति को वो तीन नाम लगाए ना बाबा। तीर क्या लगाया? दिखाई गई है त्रिशूल है, त्रिशूल ब्रह्मा विष्णु शंकर का ज्ञान सदैव बुद्धि में रहता है, तीसरे नेत्र में भरा हुआ है। ब्रह्मा द्वारा कैसे स्थापना होती है, शंकर द्वारा कैसे ब्राह्मणों की संगम, मेरी दुनिया के असुरों का ब्राह्मण असुरों का विनाश होता है, फिर विष्णु द्वारा कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सूर्यवंशी ब्राह्मणों की पालना होती है, वो बात बुद्धि में धरी हुई है सदैव। अभी तिरुपति में ब्रह्मोत्सव हो रहा है, ब्रह्मोत्सव नाम है, ब्रह्मोत्सव नाम हो रहा है, क्या हो रहा है? तिरुपति में चल रहा है, इसके मित्र नाम पर मनाया जाता है खुशी, उत्सव माने खुशी, खुशी तब मनाई जाती है जब जीत होती है। क्या जैसे दीपावली मनाई जाती है तो दीपावली में किस बात की खुशी है? दीपावली इस बात की खुशी है कि आत्मा रूपि दीपकों की लाइन तैयार हो गई थी, सबके दीपक जग गई थी। ऐसे ही है ब्रह्मोत्सव होना चाहिए, शिव जयंती का उत्सव या ब्रह्मा का उत्सव है? सबसे बड़े से बड़ा पर्व कौन सा है? शिव की जयंती भी एक जयंती है, बड़े से बड़ा उत्सव मुरली में तो यही बोला, बाकी सब जयंतियां हैं वर्षना की से, लेकिन कोई ब्रह्मा के पुजारी है नहीं बाबा, तो क्या मनाते हैं? ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। ब्रह्मोत्सव का मतलब वर्तमान समय के हिसाब से जो भक्ति मार्ग में चल रहा है वो ज्ञान मार्ग में चल रहा है। भक्ति मार्ग में जिन ब्राह्मणों की संख्या ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की है वो अंदर अंदर अब उत्सव मनाने वाले हैं। नहीं बाबा, कि हमारी जीत होने वाली है। क्या जीत होने वाली है? एडवांस पार्टी, जैसे यज्ञ के आज में खलास हुई थी देखने में नहीं आई थी, ऐसे अभी भी देखने में नहीं आएगी। और कहा चारों ओर हो जाएगा किसका राज्य? रावण राज्य, एडवांस पार्टी में भी रावण राज्य हो जाएगा।
देवियों की ही पूजा होगी चारों ओर। तो ये उत्सव मनाया जा रहा है तिरुपति है। वास्तव में ब्रह्मोत्सव मना वेंकटेश्वर और दो देवियों के उत्सव ब्रह्मा श्रेष्ठ होता है या ब्रह्मा को विष्णु श्रेष्ठ होता है? ब्रह्मा अरे मनाया तो किसने मनाया? ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने मनाया या विष्णु के फॉलोअर्स ने मनाया? अधूरों ने मनाया या संपूर्ण ने मनाया? अधूरों ने मनाया। ब्रह्मा संपूर्ण होता ही नहीं। ब्रह्मा तो संपूर्ण नहीं होता, ब्रह्मा होता है अपूर्ण, इसलिए उसकी मूर्तियाँ और मंदिर और पूजा नहीं होती। इसलिए जो वर्तमान में समय भक्ति मार्ग में चल रहा है वो ही वहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे राम से तो तोड़ने की बात चल रही है, तो अंदर अंदर भी उनको तोड़ने की बात चल रही है। ये बात अभी से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। तब से ही चल रही है, जब से 98 का घटना हुई थी कि जैसे एक के लिए किया है वैसे इन सब एडवांस पार्टी के जो पत्थर बुद्धि हैं उनको भी धराशाही करेंगे, तोड़ा जाएगा। तो अभी भारत में राम का जन्म हुआ ही नहीं था। सही बात तो बोल रहे हैं। राम का कोई जन्म होता है क्या? है उनका बेहद का जन्म हुआ है, प्रत्यक्षता रूप की जन्म हुआ है राम की आत्मा का, या कोई बच्चे के रूप में जन्म हुआ है? प्रत्यक्षता रूप की जन्म हुआ है कि राम की आत्मा कौन है ये संसार में प्रत्यक्ष हुआ है। ब्रह्मोत्सव ये बात है इसे नहीं बाबा, जो परमात्मा शिव ने जो ब्रह्मा के अंदर जो दाता रहते हैं ना उसके अंदर से जो प्रत्यक्ष हुआ ना उसका उत्सव मना रहे। प्रत्यक्ष हुआ जो प्रजापति के ब्रह्मा के अंदर जो प्रत्यक्ष हुआ वो उत्सव हुआ, वो ब्रह्मा के बाद नहीं बाबा। अब बोलते ब्रह्मा जो पांच ब्रह्मा है ना, है पांच ब्रह्मा है ना, हाँ प्रजापति का ब्रह्मा है वो अभी प्रत्यक्ष हो रहा है ना, और गुम हो रहा है एडवांस पार्टी में। नित्य अनित्य का चक्र बंद हो गया है या चालू है? एक बात का जवाब तो दो। एडवांस पार्टी की बुद्धि में 100% 100% नित्य अनित्य का चक्र चालू है या कोई की बुद्धि में बंद भी हो गया है? तो फिर उत्सव कहाँ हुआ? जिसके बुद्धि में जो प्रत्यक्ष है वो उत्सव मना। वो तो एक है जो अटल है, एक से थोड़े ही बात बनेगी, एक थोड़े ही उत्सव मनाने की यादगार है, वो सारे ही मिलकर के उत्सव मनाए। अंत का जो प्रत्यक्ष अंत तो विष्णु है, वो विष्णु का ही उत्सव मना। नाम क्या है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। उसको मनाने के लिए ब्रह्म सही किया है, मना रहे विष्णु का है, मना रहे विष्णु का। ऐसे ही ब्रह्म कुमारी नाम रख देना विद्यालय का, मनाना है विष्णु का विद्यालय, ऐसे चलेगा? जो नाम है वो ही काम है। और शंकर का तो तिलक ऐसा लगाते हैं, शंकर का तिरुपति का तिलक होता है ऐसा बड़ा लगाते हैं, शंकर का तो ऐसा बड़ा तिलक लगाते हैं। इसका मतलब शंकर का जो इस तरह का तिलक लगाते हैं तिलक का अर्थ है कि तीनों लोग का स्वामी है।
स्वर्ग की नरक की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो भी मेरी दो लोग अभी बता मतलब में सबसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाला कौन है? उनका मुखिया कौन है? वो वहाँ भी मुखिया है, वो वहाँ भी मुखिया है, नीचे भी मुखिया है। अरे हीरो पार्ट सारी तो हर जगह हीरो ही पार्ट बजाएगा कि जीरो पार्ट बजाएगा? सबसे बड़ा मोमिया मिट्ठू कौन है दुनिया में? दुनिया में सबसे बड़ा मोमिया मिट्ठू कौन है? अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला। गीता में भी आया हुआ है, नहीं गीता में भी जो श्लोक आए हैं, वृक्षों में मैं ये वृक्ष हूँ, नदियों में मैं ये नदी हूँ, पर्वतों में मैं ये पर्वत हूँ, जो भी ऊंचा ऊंचा है सारा अपना नाम रखवाई दिया। तो सबसे बड़ा मुनिया मिट्ठू कौन हुआ? देव बाबा। चलो हो गया।